हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज आया हुआ हूँ मैं उत्तराखंड, और उत्तराखंड की अपना नैनीताल नीम करोड़ी बाबा आपने सुना होगा। ये जो है अपना क्या कहते हैं वहाँ कैंची धाम, कैंची धाम आया हूँ। आपने सुना होगा नीम करोड़ी महाराज का जो यहाँ पे एक धाम है, तो वहाँ आए हैं हम। तो चलिए दोस्तों, सफ़र शुरू करते हैं। और ये अभी हम नैनीताल के इलाके में पहुँच चुके हैं और ये रास्ते से होते हुए निकल पड़े हैं कैंची धाम की तरफ। बहुत ही प्रसिद्ध धाम है ये, बहुत ही प्रसिद्ध धाम है, बहुत ही लोगों को यहाँ पर आस्था जुड़ी हुई है यहाँ पर नीम करोड़ी बाबा से। और कहा जाता है कि ये हनुमान जी के ही अवतार हैं, तो यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आना चाहना है। विदेशों से भी यहाँ तक यहाँ पर लोग आते हैं दर्शन करने के लिए बाबा जी के। तो चलिए आप लोगों को भी दर्शन कराता हूँ मैं अपने साथ साथ नीम करोड़ी बाबा महाराज के। ये सारा दिन ट्रैवल करने के बाद हम रात को लगभग 8 बजे के करीब यहाँ पर पहुँच गए थे, जहाँ हमने होटल की बुकिंग की थी। इस बार भी हमने सेम वही होटल बुक किया था, होटल एप्पल इन, जो मेरे आपने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा कि जब मैं नैनीताल घूमने के लिए आया था, नैनीताल लेक जब मैं वीडियो अपलोड किया है, तो इस बार भी वही होटल बुक किया है। तो ये रात को कुछ इस तरह से यहाँ का व्यू दिखता है इस होटल का, बहुत ही अच्छा होटल है। तो उस रात का व्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ यहाँ पर। So guys, this is the next morning here in Nainital. We are out to ये हम धाम निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। गाड़ी में हमने अपना सामान पैक कर लिया है, बस निकलने वाले हैं सामान। और ये रास्ते में हमने लिए फूल वहाँ पे चढ़ावा करने के लिए, इनको हम वहाँ पे धाम में जाके चढ़ाएंगे। जी, हम अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करने के बाद गाड़ी नंबर 4JAAT निकल गए हम मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए। और ये यहाँ पर रास्ते में जूता घर भी है, यहाँ पर आप अपने शूज स्टैंड है, यहाँ पे आप अपने शूज रख सकते हैं, लेकिन हम तो अपने शूज गाड़ी में ही रख कर आ गए थे। तो यहाँ पे वैसे है ये भी, यहाँ पे अगर किसी ने शूज़ रखने तो वो रख सकते हैं, हम अपने गाड़ी में रख के आ गए। जब हम नंगे पैर ही पूरे मार्केट का थोड़ा सा ही है मार्केट में चल कर गए थे, और बस अब मंदिर के बिल्कुल सामने ही पहुँच गए। तो लीजिए, ये रहा नीम करोड़ी बाबा जी महाराज का मंदिर कैंची धाम, हम बिल्कुल पहुँच गए। कीजिए आप भी दर्शन हमारे साथ साथ। यही है वो पावन स्थली मंदिर, नीम करोड़ी बाबा महाराज का मंदिर। और यहाँ से दिखने वाली हसीन सी वादियाँ, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये मंदिर है। और यहाँ पे बहुत लोगों का आना जाना रहता है, बहुत लोगों का। जिस दिन हम गए थे उस दिन भी बहुत ज़्यादा रश था। बाकी अगर मैं आपको नीम करोड़ी बाबा के बारे में बताऊं, तो इनको हनुमान जी का ही अवतार माना जाता है। और ये इन्होंने बहुत सारे हनुमान मंदिर भी बनवाए थे, जिसमें से एक हम मंदिर हमारा शिमला में भी है, जो संकट मोचन मंदिर शिमला में है, वो इन्होंने ही बनवाया था वो भी। और इनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये एक ही टाइम पर तीन तीन चार चार जगह भी दिखाई देते थे, बहुत चमत्कारी थे, क्योंकि हनुमान जी का कृपा थी, राम भगवान की कृपा थी। तो इन पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई है इनके साथ कि तीन तीन चार चार जगह एक ही जगह पे एक ही टाइम पे दिखाई। और यहाँ से आगे के अंदर के दर्शन तो आपको मैं नहीं करा पाऊँगा, यहीं से दर्शन कर लीजिए, क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। तो यही वो लास्ट पॉइंट है जहाँ तक अपना फ़ोन ले जा सकते हैं, अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। तो यहीं से आप एक बार दर्शन कर लीजिए और आपको मैं चारों साइड की यहाँ से व्यूज़ पर दिखा दूँ।
ये हम दर्शन करके और प्रसाद ग्रहण करके वापस आ गए हैं, और ये अब बिल्कुल एंट्रेंस गेट जो था वहाँ पे पहुँच गए। यहीं से बाहर अब बाहर जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे हम। और ये एक बार बिल्कुल बाहर आने के बाद यहाँ से व्यू, मंदिर का व्यू, और बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा था यहाँ पे दर्शन करने के बाद खुशनुमा। और ये अब यहाँ से हम वापस चल दिए हैं, और आपसे मैं एक गाड़ी से ही दर्शन करा रहा हूँ मैं आपको ये मंदिर के। एक बार जाते जाते गाड़ी से दर्शन कर लीजिए, बहुत ही अच्छा अनुभव, बहुत ही अच्छा अनुभव यहाँ पर आकर के, बहुत ही अच्छा फील होता है। कभी आप लोगों को जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आप नैनीताल लेक भी कर सकते हैं, ये आप कैंची धाम भी जा सकते हो, और आप जो आपने सुना होगा नेशनल पार्क जिम कॉलेज, वहाँ का भी आप इसमें जाना हो सकता है। अब चलते चलते हमें लग रही थी भूख, रास्ते में हमें एक रेस्टोरेंट मिला, और यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क करके यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया। तो बस यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद तो नॉन स्टॉप निकल जाएंगे, और जो कुछ रास्ते में व्यूज़ आएंगे दिखाने वाले वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। और ये बस ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम निकल चुके हैं वापस चंडीगढ़ की तरफ, और थोड़े से ये जो व्यूज़ है कुछ रास्ते की, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो भी अच्छी अच्छी जगह है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वैसे उत्तराखंड बहुत ही अच्छी जगह है, पहाड़ी इलाका है, बहुत ही सुंदर जगह है, वहाँ पे व्यूज़ की कोई कमी नहीं है। कभी भी आप लोगों का जाना हो तो बहुत मस्त ट्रिप रहेगा उधर का। यहाँ से जो नेशनल पार्क है उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, वो भी बहुत ही पास है, जस्ट 26 किलोमीटर था यहाँ से, लेकिन हम नहीं जा पाए थे इस बार क्योंकि हमें वापस आना था ज़रूरी काम से। तो जब फिर सोचा हमने कि कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर वहाँ पर जाएंगे, उससे के बीच जाएंगे, तो वो भी कभी जाना होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर वहाँ का भी शेयर करूँगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी घुमाऊंगा आप लोग अपने साथ। फिलहाल अभी आप इन रास्तों का मजा लीजिए, उत्तराखंड की सड़कों का और वादियों का। तो दोस्तों ये था मेरा हमारा पूरा ट्रिप उत्तराखंड कैंची धाम का। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री राम।